स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। 4 नंबर का चैप्टर है ये डिटरमिनेंट, इसका सिलेबस दिया हुआ है 2023-24 के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस, माइनर्स कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इतने टॉपिक्स अपने को पढ़ना है इसके अंदर, और जो रिलेटेड टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी हट जाएंगे, एक एक्सरसाइज भी हट जाएगी, और बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह में, तो वो भी हट जाएंगे। ठीक, अब नई बुक के अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें होती है। और सबसे पहला सवाल ये है कि ये डिटरमिनेंट आखिर होता क्या, तो मैट्रिक्स का चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम डिटरमिनेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ। टू एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम। स्क्वेयर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का मतलब रो भी एम है इसके अंदर और कॉलम भी है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट डी टी ऑफ ए डेल्टा। ट्रायंगल बना देंगे। डिटरमिनेंट होता क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर एम, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। एम ऑर्डर का मतलब रो भी एम है और कॉलम भी, रो भी थ्री है तो कॉलम भी थ्री होंगे, रो टू है तो कॉलम भी टू, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, वो नंबर क्या होगा, या तो रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों नंबर आपको पता है रियल कैसे रहते हैं, उसमें रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, और कॉम्प्लेक्स कैसे रहते हैं, आयोटा वाले जो नंबर रहते हैं वो रहते। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, और वो जो नंबर होगा वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स, तो रियल भी पता है और कॉम्प्लेक्स भी पता है, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उस नंबर को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसी दो लाइनें आपको ड्रॉ करना और उसके अंदर मैट्रिक्स ए लिखते हैं, और इसको पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ो, मॉडुलस का साइन है लेकिन यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़े। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट आपको डी टी लिख दो और ब्रैकेट में ए लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डिटरमिनेंट के लिए केवल ऐसा डेल्टा या ऐसा ट्रायंगल बना सकते, मतलब जो मैट्रिक्स रहेगा उससे अपने को एक नंबर मिलेगा, वो नंबर रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, उसको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोले, और उसको इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एक एग्जांपल देखो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको A11, A12, A21 और A22, ये मैंने कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, 2 रोज है इसके अंदर और 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है,
A12 का मतलब है फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का है, A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये 2x2 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया। देन डिटर्मिनेंट ऑफ, देन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, इज रिटन एज, देखिए ऐसा एक 2x2 का मैट्रिक्स है आपके पास। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसा लिख लो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख लो, और डेल्टा, तीन सिंबल में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो आप, इज इक्वल टू, A11, A12, A21 और A22। देखो आपको वही का वही मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख देना जैसे यहाँ लिखे थे, वही आपको यहाँ लिख देना, सिर्फ फर्क क्या है जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो ऐसी तो खड़ी लाइनों के बीच में ये नंबर्स को लिख, ऐसा नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये डंडिया नहीं लगा किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में से, अगर ये डंडिया हटा देते हैं तो फिर वही डिटर्मिनेंट हो जाए। देखो मैंने यहाँ डंडिया हटा, जो 2x2 का मैट्रिक्स था वो 2x2 का डिटरमिनेंट बन गया, बस फर्क क्या है ये डंडिया यहाँ से हटा, ये मैट्रिक्स का सिंबल था, ये डिटरमिनेंट का सिंबल, और मैट्रिक्स ए लिखते हैं ऐसे, ये मैट्रिक्स है, इसको जब डिटरमिनेंट लिखेंगे तो ऐसा दो लाइनों के अंदर लिखना पड़ेगा, तब ये डिटरमिनेंट ऑफ हो, या फिर अपन डिटरमिनेंट ऑफ है ऐसा लिख सकते, या फिर अपन डिटरमिनेंट को ऐसा लिख सकते। तो मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा, मैट्रिक्स ए था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन एलिमेंट लिखते हैं तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, उसको दो लाइनों के बीच में लिखो मैट्रिक्स को और उसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ है, और इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट में जो डंडी हटा दो आप, ऐसी दो खड़ी लाइनों के बीच में जो एलिमेंट थी वही लिखो, तो ये 2x2 का या सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन, देखो ये मैट्रिक्स था ये डिटरमिनेंट। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर या तो रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये देखो ये 2x2 का है, टू रोज है इसके अंदर, वन टू, टू हॉरिजॉन्टल लाइन है तो टू रोज है, और टू कॉलम्स है, दो वर्टिकल लाइन है तो दो कॉलम, 2x2 का ये डिटर्मिनेंट है और ये 2x2 का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिर्फ वो इस वजह से मैट्रिक्स, ऐसी डंडी लगी हुई है इसलिए मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें से मैट्रिक्स हट गया, इसमें से आपको डंडी हट गई तो ये डिटर्मिनेंट है। और मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होगा वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, बाकी किसी और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल, ये डिटर्मिनेंट है 2x2। आप इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा अपने, वो नंबर या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर आपका एक नंबर होगा, वो नंबर या तो रियल नंबर आएगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स था। अब देखो इस 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करें, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा A11 A22, फिर माइनस लगा दो और फिर इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, A21 और A12, बस ऐसा सॉल्व करना आपको 2x2 का। अभी यहाँ पे A11, A12, A21, A22 था, यहाँ पे तो नंबर लिखे रहेंगे 1, 2, 3, 4 पर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नंबर, इसको सॉल्व बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस पूरे डिटरमिनेंट का खेल इसी के ऊपर, पूरे डिटरमिनेंट में आपको 2x2 का डिटरमिनेंट बनाना है और उसको ऐसे सॉल्व करें, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, बस दैट से यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और वो नंबर कॉम्प्लेक्स, आया कुछ समझ। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ तो उससे और क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4। देखो ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसी डंडिया नहीं, केवल दो लाइनों के बीच में एलिमेंट लिखे थे, पहचान भी लेंगे आप डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। अब ये 2x2 का दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 × 4, और एक भी कर सकते हैं माइनस लगाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4, इसको सॉल्व करो, 1 × 4 = 4 − 3 = 6, 4 − 6 करेंगे तो -2, देखो -2 आपको एक नंबर मिला, कैसा नंबर है, रियल नंबर, बस ये है डिटरमिनेंट। आया कुछ समझ में? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट। इफ ए कोई मैट्रिक्स ले लिया 2 × 2 का, a11 a12 a21 a22, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, दो लाइनों के बीच में मैट्रिक्स को लिख दो और डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेल्टा और इक्वल टू, बस ये दो डंडियां हटा दो और दो लाइनों के बीच में सेम एलिमेंट लिख दो, ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10। ये एग्जांपल ले लिया मैंने, डिटरमिनेंट 2 × 2 के लिए 1 2 3 4 कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 4, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2, 1 × 4 = 4 3 × 2 = 6, 4 − 6 करो तो -2, -2 एक रियल नंबर आए, रियल भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, बस आपका यही डिटर मैट्रिक्स की हेल्प से हमने डिटरमिनेंट को आगे अपने पास में। अब आपके सामने मैट्रिक्स आ रहा, डिटरमिनेंट आ रहा, सिंबल से आपको पहचान लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर क्वांटिटी लिखी हुई है तो वो मैट्रिक्स है, दो लाइनों के बीच में अगर क्वांटिटीज या नंबर्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो वो डिटर, ठीक, मैट्रिक्स की हेल्प से डिटरमिनेंट आओ। चलो एक तो नोट बता देता हूं, फर्स्ट फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दो लाइनों के बीच में ए लिखे इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट मॉडुलस और ध्यान से लिखना। देखिए किसी मैट्रिक्स ए के लिए दो लाइनों के बीच में ए को लिखे ऐसा इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ना, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना, देखो आपने नॉट का साइन देखा तो मॉडुलस ऑफ ए रहता, वो मॉडुलस ऑफ ए ही है। मैट्रिक्स के केस में अगर ए मैट्रिक्स है तो फिर वो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ध्यान से इसको सीखना नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये ए कोई मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर 1 by 1 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे अगर अपन तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ, और जब डिटरमिनेंट ऑफ -2 को अपन सॉल्व करेंगे तो केवल -2 आए, लेकिन आपको पता है अगर ये डिटरमिनेंट नहीं होता, कभी ये मॉडुलस होता तो मॉडुलस का साइन क्या करता, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता, तो यहाँ पे 2 आता, मॉडुलस ऑफ 2 हो जाता और फिर वो 2 हो, तो देखो दोनों में कितना अंतर, ये 2 है और ये माइनस, इसलिए आपको ध्यान रखना अगर मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स है तो फिर इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ना है आपको, मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना, बहुत बारीक सी चीज है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बता दिया मैंने इसे, कंफ्यूजन उसको नोट लिख लिया अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ के रखो, ठीक समझ में आ रहा है। एक और सेकंड वाला नोट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटरमिनेंट बनते हैं, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है उन्हीं के आप डिटरमिनेंट लिख सकते हो, कोई एरा गहरा नथु गहरा मैट्रिक्स है 1/3 का तो 1/3 का डिटरमिनेंट नहीं बनेगा, 2/3 का मैट्रिक्स है आपके पास 2/3 का डिटरमिनेंट नहीं बनेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस है, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटरमिनेंट होते, याद रहेगा पॉइंट,
हमने तो आपको लिख के दे दिया उसने। अच्छा 1 2 3 4 5 6 ये कोई ए मैट्रिक्स लिख के दे दिया। और क्वेश्चन बोल रहा है राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चा क्या कर रहा, ये डंडिया हटा दे रहा और ये लिख दे रहा 1 2 3 4 5 6। गलत हो गया, ये डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2 है। 1 2 3 1 2 3/2 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी उसका डिटर्मिनेंट आए, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं। याद रहेगी बात, जैसे एक ही एलिमेंट है आपके मैट्रिक्स के अंदर तो ये 1/1 का इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स है 2/1 का है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रहेगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट। ये छोटी छोटी चीजें जिनको याद रखना पड़ता, कभी कभी उनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में, तो बड़े प्यार से बच्चा गलत कर देता है, पता नहीं रहता क्या करूँ जी। अगर ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म, कभी कभी अपने को दो दो दिन लग जाते बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने, कभी कभी 5 मिनट में हो जाते, ये डिपेंड करता है कि कंटेंट किसका है। तो आप इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मैट्रिक्स कितना आसान था और ये कितना आसान होगा, आसान होगा आसान। चलो चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 और 2। 1 और 2 क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट दिए हुए देख के समझ में आ रहा है आपको डिटर्मिनेंट है क्योंकि उसके अंदर डंडिया नहीं लगी, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट वाला लेते हैं, फर्स्ट ये जो डिटर्मिनेंट दिया है 2/2 का 2 4 -5 -1 इसको मैं डिटर्मिनेंट के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट डिटर्मिनेंट के लिए आप ऐसे ट्रायंगल भी बना सकते हैं, 2 4 -5 -1। ध्यान से देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2 रोज़ और 2 कॉलम है, इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर आपको पता है डिटर्मिनेंट से हमेशा आपको एक नंबर मिलेगा रियल या कॉम्प्लेक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो। इस इक्वल टू 2 × -1 माइनस लगाओ -5 × 4 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी शुरू शुरू में ऐसे ही कर रहा हूँ। 2 × 1 = -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 × 4 = 20 +20 − 2 + 18 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहले ही बताया मैंने आपको बहुत सिंपल पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos का, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉस्ट इसको डिटर्मिनेंट डेल्टा के इक्वल दे दो, 8 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देखो 2/2 का डिटरमिनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो। कॉस थीटा में कॉस थीटा का इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, है? बस ये आंसर हो गया। देखो एक नंबर मिलते जा रहा है आपको, जैसी अपनी डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, डिटरमिनेंट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, इसको डेल्टा के इक्वल सपोज कर लो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 8 डेल्टा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2 रोज़ 2 कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इज इक्वल टू
एक्स प्लस वन अभी करते हैं इंटू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इंटू में है, आगे पीछे लिख सकते हैं आप फैक्टर्स को, माइनस लगाओ इन दोनों पर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हो। और याद नहीं है आपको तो फिर ब्रैकेट खोलो, याद है क्या आइडेंटिटी, देख के समझ में रही आइडेंटिटी तो ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब लिख सकते हो, और नहीं तो फिर ब्रैकेट खोलो, कैंसल होके एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, वन का इंटू करो प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, और ये तो सीधी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखते हैं, सामने माइनस है तो माइनस का इंटू करो, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन आएगा तो प्लस वन, कैंसिल कर लो तो कैंसिल करो, ये नेगेटिव एक्स स्क्वेयर और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, देखो यहाँ पे आपका केवल एक्स क्यूब प्लस वन बचा इन दोनों पर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला है ना, डायरेक्ट भी आप एक्स क्यूब प्लस वन लिख सकते थे दोनों पर, और इन दोनों को ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एन कैंटू करते माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या बच गया आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन प्लस वन प्लस, बस ये आंसर हो गया। कैसा भी करो आप आइडेंटिटी लगा के करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर बोले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अरे आइडेंटिटी याद है अच्छे से तो लगाना, नहीं तो होशियारी बता के वहां पे उल्टी सीधी कुछ भी लगा दिए तो आंसर गड़बड़ हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन लिख सकते नहीं तो एक्स क्यूब माइनस वन ही लिखती हो और दूसरे को सॉल्व करे तो आंसर कुछ और आता है। अगर परफेक्ट मालूम है तो आइडेंटिटी लगाओ, नहीं तो फिर थोड़ा सा ब्रैकेट खोल के मेहनत करो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये उसका वन आ गया था और इसका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन सब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वन टू फोर टू देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए, देखो ये मैट्रिक्स ए था तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ टू ए नहीं पढ़ना है, इज इक्वल टू फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बता दिया मैंने पहले ही, अगर ए मैट्रिक्स रहेगा तो फिर इसको डिटर्मिनेंट पढ़ना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था आपको ये प्रूफ करना, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इससे टू ए वाला मैट्रिक्स निकालते हैं फिर उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, टू ए वाला मैट्रिक्स रहेगा इसका डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, इधर डिटरमिनेंट लगा दें, इधर आपकी ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा उसकी डंडिया हटा दें, चलो तो मैं टू ए मैट्रिक्स बनाऊ, टू ए मैट्रिक्स ये टू और ए मैट्रिक्स लिख लो वन फोर टू टू। अब देखो ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना आप, ये मैट्रिक्स है और ये टू है सामने, तो आपको पता है एक स्केलर और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर का या एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा टू और टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, टू टू जा फोर, ये आपको आया टू ए के, ये टू ए मैट्रिक्स आया, हमको टू ए डिटरमिनेंट ऑफ टू ए चाहिए तो दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लें, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये टू ए हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ टू ए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा, बस आप ये डंडी हटा दो और दो लाइनों के बीच में इस पर लिख दो तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा टू एट फोर टू। अभी देखो ये टू बाय टू का डिटरमिनेंट आ जाएगा, आया, और टू बाय टू का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपने कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका टू फोर जा एट, माइनस लगाते हैं एट फोर जा थर्टी टू, थर्टी टू में से एट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ट्वेंटी फोर, माइनस माइनस ट्वेंटी फोर, तो डिटरमिनेंट ऑफ टू ए की वैल्यू कितनी आ रही, डिटरमिनेंट ऑफ टू ए की वैल्यू आ रही माइनस ट्वेंटी, इसको आप इक्वेशन बनाओ, अपने को डिटरमिनेंट ऑफ टू ए फोर, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए लेकिन ये क्या आ रहा माइनस ट्वेंटी,
अब इसको सॉल्व करते हैं, फोर डिटरमिनेंट आप ए को, तो वो भी -24 आएगा, उसको इक्वेशन सेकंड देंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों इक्वल हो गए। एंड फोर डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू, फोर को ऐसे ही रहने दो और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख लो। देखो मैट्रिक्स ऑफ ए था आपके पास में, ए मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट बना लो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, बस ये डंडी हटा दो, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 2। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ये फोर था और ये डिटरमिनेंट आप ये चाहिए अपने, तो फोर लिखा मैंने, अब ये मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स पर डिटरमिनेंट बना दो, अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, 4 बाहर है, 1 2 2 -4 2 8, ये क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर है, 2 -8 करेंगे तो -6, 6 इंटू माइनस 4 इंटू -6 करेंगे तो -24, ये आया आपको 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको आप इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से -24 -24, 1 और 2 का राइट साइड इक्वल है, जिनके लेफ्ट साइड को इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ सी आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ टू आ गया और डिटरमिनेंट 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ, यही आपको प्रूफ करना था, ऐसा कर एक्सपेंशन ऑफ 3/3 आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, देखो एक्सपेंशन या एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ 3/3 और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ 3/3 और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, पर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या 3/3 का डिटरमिनेंट, मतलब जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उससे कैसे नंबर निकालेंगे, रियल नंबर निकलता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है, तो वो कैसे हो, एक मैं एक डिटरमिनेंट सपोज करता हूँ, लेट ये डिटरमिनेंट का सिंबल ले लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये है 3/3 का, देखो दो डंडिया, ये ऐसा दो लाइनों के बीच में लिखा है, ये डंडिया नहीं है इसके अंदर, तो ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 3 3/3 का। अब इसको अपने को एक्सपांड करना है या इसकी वैल्यू निकाल, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये ऐसा डिटरमिनेंट लिया, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, A31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट और A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो ये ऐसे एलिमेंट को प्लेस पे मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ सिंपल वाले 1 2 1 0 1 1 2 0 कुछ भी ले सकते हो, मैंने ऐसे ले, ये भी आपका 3/3 का मान लीजिए ऐसा डिटरमिनेंट अपने पास, इसको सॉल्व। तो अब ये जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम, तो हम इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग एलिमेंट्स ऑफ R1 बोले तो फर्स्ट, एक्सपांडिंग अलॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ R1, ये R1 के जो एलिमेंट है 1 2 3 इनके अलॉन्ग हमको इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करें, तो क्या हो, मेरा डिटरमिनेंट रहेगी। अब देख
ये तीन एलिमेंट है, 1 2 3। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो कार्बन। अब ये वन के सामने आपको चिन्ह लगाना, चिन्ह मतलब साइन लगाना है प्लस का या माइनस। तो प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन के सामने प्लस वन होगा, लेकिन कभी माइनस आता तो वो लगाना पड़ता, तो वो कैसे लगे। अब देखो कि ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है वन, ये किस रो के अंदर, किस रो में दिख रहा, फर्स्ट रो में। फिर कॉलम में देखो किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, मतलब ए वन वन एलिमेंट। ए वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। तो ये वन और वन को आप प्लस करो, जिस रो में है और जिस कॉलम में दोनों को प्लस करो। फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम, वन प्लस वन टू हो गए। अगर जिस रो और जिस कॉलम के अंदर है उसको प्लस करने के बाद में कोई इवन नंबर आ, तो आपको उस एलिमेंट के सामने प्लस का चिन्ह लेना। और रो और कॉलम को प्लस करने के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस। तो ये वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, वन प्लस वन टू हो गए, इवन नंबर जिसके सामने प्लस हो, बस यहाँ वन। इतना काम कर सकते हैं, वन के सामने कौन सा चिन्ह आएगा आपको देख लेना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये वाला वन, इस वन की बात कर रहे हैं। वन प्लस वन टू हो गया, इवन नंबर है तो वन के सामने प्लस टू। अब क्या करना है, अब आपको ये जो वन है ये जिस रो के अंदर है इस रो को डिलीट कर देना, छोड़ देना इसको, और जिस कॉलम के अंदर है उसको भी डिलीट कर देना। अब ये जो बच्चे वाले एलिमेंट है इसको डिटरमिनेंट में ले, चार एलिमेंट है तो इसको डिटरमिनेंट में ले। जीरो वन टू ऐसे क्या किया मैंने, ये वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था तो वन लिखा, वन प्लस वन टू, इवन नंबर है तो प्लस। अब इस वन जिस रो के अंदर उस रो को डिलीट कर दो या छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर उसको डिलीट कर दो छोड़ दो, जो बच्चे वाले जो एलिमेंट दिख रहे इसको डिटरमिनेंट में ले, चार एलिमेंट बचे थे चारों को। उसके बाद अब ये वाले एलिमेंट पर सेकंड एलिमेंट इसी के फर्स्ट रो के एलिमेंट लेना आप। अब ये टू देखो किस रो के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर है, किस कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर है। वन प्लस टू कितना होता है, थ्री होता है, थ्री ऑड नंबर है, तो ये वाले टू के सामने माइनस के। अब आपको ये टू जिस रो के अंदर इस रो को छोड़ देना है, जिस कॉलम के अंदर इसको भी छोड़ देना। ये वाले चार एलिमेंट बचे, वन 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 जीरो, इसको एक डिटरमिनेंट में दो, वन 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 जीरो, हो गया। उसके बाद ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट, ये थर्ड थ्री को लेना है, थ्री के सामने देखो कौन सा साइन, थ्री थ्री देखो फर्स्ट रो के अंदर आ रहा और थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा। वन प्लस थ्री फोर होता है, फोर इवन नंबर है, तो ये थ्री के सामने प्लस दो दो प्लस। अब ये थ्री जिस रो के अंदर इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर इसको छोड़, बच्चे वाले वन जीरो वन टू का एक डिटरमिनेंट में दो, वन वन जीरो टू, ध्यान से लेना। ऐसे आपको इसको टू बाय टू के डिटरमिनेंट के फॉर्मूले पर लेना है। अब ये देखो सब टू बाय टू के आकर, टू बाय टू के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है। ये तो वन था, वन का इंटू करेंगे तो कुछ नहीं था, छोड़ दो वन को। अब देखो इन दोनों का इंटू करो, जीरो जीरो का इंटू करे तो जीरो, माइनस लगाओ टू वन जेट तो माइनस टू हो, फिर ये माइनस टू को लेकिन इन दोनों का इंटू करो, वन इंटू जीरो लिखना पड़ेगा, ये जीरो माइनस लगाओ, ये वन इंटू वन हो, फिर ये प्लस थ्री को लेकिन फिर ब्रैकेट वन इंटू टू करो, टू बाई टू का टू माइनस वन इंटू जीरो करो जीरो, इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस टू बचा, ये माइनस टू का माइनस वन में इंटू करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, ये थ्री टू जा सिक्स हो, ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गए, क्या आ गई इसकी वैल्यू, ये जो थ्री बाय थ्री का डिटरमिनेंट था इसकी वैल्यू सिक्स है। आप ऐसे ही अगर इसको अपन R2 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें, अपन ने R1 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें तो नंबर मिला सिक्स। अब R2 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड, वही वाला मैट्रिक्स बोलो, मैट्रिक्स से बोल दो, क्या है वो मैट्रिक्स, वन 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 टू जीरो टू जीरो टू थ्री वन जीरो थ्री वन, वही लेना है एलिमेंट। अब इस डिटरमिनेंट को हम इस सेकेंड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो या आर टू बोल सकते, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट फिजिकल। अब देखो सेकेंड रो के एलिमेंट है ना, ये वन, वन के सामने आपको चिन्ह लगाना है, साइन लगाना। तो वन देखो किस रो में है,
सेकेंड रो में किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, टू प्लस वन करेंगे तो थ्री, और थ्री क्या होता है ऑड नंबर होता है तो माइनस होगा। अब इसका डिटरमिनेंट ले, ये माइनस, ये जो वन था आपका ये वाला, इस जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ो, क्या बचा टू टू थ्री जीरो, इसको डिटरमिनेंट में ले लो टू टू थ्री जीरो। उसके बाद ये वाला जीरो, तो जीरो देखो, जीरो तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं, फिर भी सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, टू प्लस टू फोर हो गया तो प्लस ले, पूरा जीरो हो जाएगा और ले ले रहे। अब ये जीरो जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो वन वन थ्री जीरो, वन वन थ्री जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बाद में अपन इसको डायरेक्ट जीरो देखते। फिर ये वाला वन दे, इस वन के सामने साइन लेने, तो देखो किस रो में है, सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम, थ्री प्लस टू कितना होता है फाइव, ऑड नंबर है तो माइनस ले लो माइनस फोर। अब ये वन जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले को ले लो डिटरमिनेंट में वन वन टू, वन वन टू टू, देखो ये सारे के सारे टू बाय टू के डिटरमिनेंट आ गए। इसको सॉल्व, ये सामने माइनस है, टू का जीरो में इंटू करे जीरो, और ये टू थ्री का माइनस सिक्स। फिर अब देखो ये तो पूरा जीरो, ये जीरो है सामने, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जीरो का जब इंटू करेंगे इसके अंदर तो पूरे जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो करते माइनस, इन दोनों का इंटू करो, वन टू जो टू माइनस वन टू जो टू, इसको मैंने डायरेक्ट जीरो कर दिया है, देखो ये जीरो सामने रहेगा और इसका इंटू करेंगे जीरो, और ये माइनस थ्री, माइनस थ्री का इंटू करेंगे पूरे, ये जीरो सामने है तो ये पूरे जीरो हो जाएगा, तो मैं जीरो लिखते हो, माइनस एन का इंटू करेंगे तो प्लस सिक्स, ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गए तो सिक्स आ। देखो हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करे तब भी सिक्स आया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के अलॉन्ग करे थे तब भी सिक्स आया, आप थर्ड रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करो, इनसे करो एक्सपांडिंग अलॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ आर थ्री थर्ड रो, ये वाले ये वन टू जीरो, सबसे पहले ये वन डिटर्मिनेंट, ये वन के सामने साइन लेना, तो वन देखो किस रो में, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम, थ्री प्लस वन फोर होता है, इवन नंबर आ गया तो प्लस ले दो उसको, आप ये वन जिस रो में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जो बच्चा उसको डिटर्मिनेंट करो टू जीरो थ्री वन, टू जीरो थ्री वन। उसके बाद ये वाला एलिमेंट टू, टू के सामने साइन लेना है, ये थर्ड रो में है सेकंड कॉलम में, थ्री प्लस टू फाइव ऑड नंबर है तो माइनस टू हो जाएगा। अब ये माइनस टू जिस रो में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटर्मिनेंट लो वन वन थ्री वन, वन वन थ्री वन। उसके बाद ये वाला जीरो थर्ड रो में है और थर्ड वन, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस हो गया, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, इवन हो गया तो प्लस जीरो ही हो जाएगा वैसे। फिर ये जीरो जिस रो के अंदर है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम के अंदर इसको छोड़ दो, बाकी को डिटरमिन दो वन वन टू जीरो, वन वन छोड़ भी सकते हो उसको, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, सॉल्व करो उसको, ये सब टू बाय टू के आ गए, टू वन जा टू माइनस जीरो में थ्री कंट करोगे जीरो माइनस टू, वन वन जा वन माइनस वन थ्री जा थ्री, और ये जीरो पे इंटू करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ये टू ये माइनस टू और ये माइनस टू हो जाए, माइनस टू का इंटू करेंगे तो प्लस फोर, फोर प्लस टू सिक्स। देखो हमने आर थ्री के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करे तब भी सिक्स आया, आर टू के रिस्पेक्ट में करे तब भी सिक्स आया, आर वन के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करे तब भी सिक्स आया, मतलब आप किसी भी रो के एलिमेंट्स के अलांग उसको एक्सपांड कर सकते हैं, आंसर आपका सेम है। अब ऐसा ही हम इनको किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकते, कोई वाला डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ, पहले क्या है डिटर्मिनेंट, वन 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 वन, सेकेंड रो में टू जीरो टू, टू जीरो टू, और थर्ड वाला थ्री वन जीरो, थ्री वन, एक्सपांडिंग अलोंग
एलिमेंट्स ऑफ C1, C1 बोले तो फर्स्ट कॉलम ये वाला, मैंने एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में करना, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट ये 1 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, 1+1 2 होता है इवन नंबर जिसके हमने प्लस दो, अब ये 1 जिस रो के अंदर है इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर है इसको छोड़ दो, बच्चे वाले का डिटरमिनेंट 0 2 1 0 2 1 0। फिर ये सेकंड एलिमेंट ये वाला 1, 1 देखो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, 2+1 3 ऑड नंबर तो माइनस का साइन दे दो इसको, ये -4। अब ये 1 जिस रो में इस रो को छोड़ो इस कॉलम में छोड़ो, क्या लिखो जो बच्चे वाले 2 2 3 0 डिटरमिनेंट 2 2 3 0। फिर ये वाला 1 लास्ट वन थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में 3+1 4 इवन नंबर प्लस आ गया प्लस 1, ये 1 जिस रो में इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले डिटरमिनेंट देखो 2 0 3 1 देखो ये 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, सॉल्व कर दो इसको, विच इज इक्वल टू 1/2 करेंगे तो ये 0 और ये -2, ये -2 0 0 2 3 6 -4 प्लस 2 1 2 -0 और इसको सॉल्व, ये -2 ये -, +6 हो जाएगा और ये +2, -2 +2 कैंसिल आ गया 6। देखो हमने C1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करें तब भी 6 ही आया, अब ऐसे ही अगर C2 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग एलिमेंट्स ऑफ C2 तो भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 6 ही आई, आप कर लेंगे। और एक लास्ट वाला C3 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको कर दें, एक्सपांडिंग अलोंग एलिमेंट्स ऑफ C3 तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 ही आई। अब ये साइन 1+1- ऐसा नहीं लेते ना, 1+1- 1+1- वो देखना आपको किस रो और किस कॉलम दोनों को प्लस करके देखो, इवन नंबर आ रहा तो प्लस साइन, ऑड नंबर आ रहा तो माइनस साइन, पहली रो में करते हैं तो 1+1- ऐसा आता, दूसरी रो में करते तो अलग आता, तीसरी रो में करेंगे तो अलग आएगा, पहले कॉलम में करेंगे तो पहला प्लस दूसरा माइनस ऐसा, दूसरे में करेंगे तो अलग, तो आपको ऐसा अंधविश्वास ऐसा ऐसा नहीं करना, 1+1- ऐसा ले, उसको प्लस करके देखना रो और कॉलम, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस का साइन दो, ऑड नंबर आ रहा तो माइनस का, जिस रो जिस कॉलम का इसको छोड़ो और एक्सपांड करके ऐसी बोलेंगे, तो अपन ने पूरे R1 R2 R3 C1 C2 C3 सबके रिस्पेक्ट में करे तो आंसर एक जैसा, यहां से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते, एक नोट लिख लो या एक रिजल्ट मिल जाए, यहां से रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फसल, क्या एक रिजल्ट मिला अपने को, क्या we can expand determinant along the elements of any row or any column, any row or any column, देखो हमको बहुत काम का रिजल्ट मिला, वी कैन एक्सपांड डिटरमिनेंट अलोंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, हम किसी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के अलोंग एक्सपांड कर सकते, रिजल्ट हमको सेम मिला। तो अब सवाल ये है कि आपके सामने एक डिटरमिनेंट आपको दिया रहेगा ऐसे 3/3 का, तो आप किसके अलॉन्ग उसको एक्सपांड करेंगे, R1 के अलॉन्ग करेंगे, R2 के अलॉन्ग करेंगे, R3 के अलॉन्ग करेंगे, C1 के अलॉन्ग करेंगे, C2 के अलॉन्ग करेंगे, C3 के अलॉन्ग, किसी के भी अलॉन्ग करेंगे तो वही आएगा, लेकिन आपको किसके अलॉन्ग करना चाहिए, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट को देखना है कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो दिख रहा है उसके अलॉन्ग आप उसको करोगे, जैसे यहाँ पे R1 में कोई भी जीरो नहीं दिख रहा तो उसमें मत करो, R2 में कर सकते 1 जीरो दिख रहा, R3 में भी कर सकते 1 जीरो दिख रहा,
आप सी टू के रेस्पेक्ट में कर सकते, सी टू के अलॉन्ग कर सकते एक जीरो दिख रहा, सी थ्री के अलॉन्ग भी कर सकते एक जीरो दिख रहा, आप किस में करेंगे, आप किसी में भी कर लो जिसमें एक जीरो दिख रहा, क्योंकि एक ही जीरो है ज्यादा से ज्यादा। उससे फायदा ये होगा कि जिसमें जीरो आ रहा है उसके अलावा यदि करेंगे तो वो जीरो वाले एलिमेंट को आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन आर टू के रिस्पेक्ट में करते तो केवल वन वन के सामने का साइन दो और वन को जिस रो में उसको जिस रो जिस कॉलम उसको थोड़ी डिटरमिनेंट लो और ये जीरो वाले को छोड़ दो, आप डायरेक्ट जीरो हो जाए फिर ये वाले वन, मतलब ये दो एलिमेंट के लिए एक्सपांड कर दो। और किसी डिटरमिनेंट में कभी दो जीरो आ जाते हैं तो जिसमें दो जीरो है उसके अलावा करेंगे तो केवल ये दो जीरो वाले को छोड़ दो, आप केवल एक एलिमेंट को एक्सपांड करना, और एक एलिमेंट के सामने का साइन कैसे लेना है वो एलिमेंट को देखना है कि किस रो और किस कॉलम में है, उसको प्लस करके देख लेना है, इवन नंबर आता है तो उसके अंदर प्लस साइन, ऑड नंबर आता तो माइनस साइन, और जिस रो में उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम छोड़ दो, बचे वाले सारे एलिमेंट को डिटरमिनेंट में देख लो और बस। तो जीरो जिसमें ज्यादा रहेंगे उसके अलॉन्ग करेंगे तो फायदा, तो उससे आप कम एलिमेंट के लिए उसको एक्सपांड करो। अब कभी ऐसा हो सकता है किसी में दो जीरो है तो उसमें कर देंगे तो एक ही एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, कभी एक ही जीरो है आपका तो उसके अलॉन्ग कर देंगे तो दो एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा, कभी ऐसा हो सकता है कि एक भी जीरो नहीं है उसके अंदर तो फिर आप आर वन के रिस्पेक्ट में करते हो या किसी के भी रिस्पेक्ट में करो फिर आर वन। और अगर जीरो रहते हैं तो जिसमें ज्यादा जीरो रहते हैं उसके अलॉन्ग करेंगे तो अपना काम कम हो जाएगा। अब ये जीरो वाले को जैसे अपन ने यहाँ करके लिखे थे, जीरो वाले को अपन ने एक्सपांड करके ऐसा लिखे थे, अब अपन ऐसा लिखेंगे नहीं, ये जीरो वाले को ऐसा लिखना नहीं है, इसको छोड़ देंगे अपन डायरेक्ट, बस एक एलिमेंट ये वाला और एक ये वाला, बस ये दो क्लिच करेंगे तो अपना टाइम, लेकिन जीरो रहेंगे तब, और जीरो नहीं है तो फिर सब में कर दिया आपको, मैंने आपको सबके अलॉन्ग करके बता दिया और रिजल्ट निकाल के बता दिया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट करो आंसर सुन रहा। तो ऐसे थ्री बाय थ्री के डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर, थ्री बाय थ्री के डिटरमिनेंट को टू बाय टू में लाना है, टू बाय टू में आता है और फिर टू बाय टू को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो समझ में आई चीज है। अब आगे की क्लास में फिर इसको आगे समझ